7 दिसंबर से पहले हमने अपने लिए तरह तरह के लोग बात करते हैं कि 1 लाख शिक्षक रख दिए हैं, सरकार के पास पैसा कहाँ है, ये सब सुनते होंगे आप। पता नहीं किसने उड़ाया है, आपको तनख्वाह टाइम से मिल जाए, ठीक है, और हर महीने मिलेगी। आप ये देखें कि आपने 10 दिन हो गए होंगे विद्यालय ज्वाइन किया, किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, उसकी तनख्वाह हम लोग 7 दिसंबर से पहले आपको दे देंगे। और दिसंबर की तनख्वाह तो 1 जनवरी को चली है, क्योंकि ये पहले दिन पहली बार जिस तरह मुझे हमारी तनख्वाह मिलती है, उसे उसी तरह आपको आपकी तनख्वाह मिलेगी। मैं आपको तनख्वाह समय से भेज दूंगा, आप स्कूल समय से पहुंच जाइए। और जाके वहां गिरना नहीं, गिरना समझते हैं कि अच्छा शिक्षा विभाग कह रहा है टाइम से पहुंचाना, तो टाइम से दौड़ते भागते पहुंचे तो गिर गए स्कूल, वो नहीं होना। वहां पढ़ाना है, आपकी प्रेजेंस फील की जानी चाहिए बच्चों द्वारा, उनके पेरेंट्स द्वारा, और गांव जो है कम्युनिटी होता है, स्कूल से उनको बड़ा लगाव होता है। हमारा कोई स्कूल हमारा खरीदा हुआ नहीं, सब स्कूल जनता ने ही डोनेट किया है जमीन, कईयों ने मंदिर से हिस्सा काट के दिया, कईयों ने अपने खेत से हिस्सा काट के दिया, कईयों ने अपनी हवेलियों से हिस्सा काट के दिया। आज की नहीं, ये 50-60 साल की बात। तो ये ध्यान रखिए कि जाके गिर मत जाइएगा विद्यालय कि आपने कहा था हम आ गए, आने के बाद पढ़ाना है। और क्या, कितनी क्लास लेने का हमने रूल बनाया है, 6 क्लास जो रेगुलर है, कम से कम 6 क्लास, 6 से ज्यादा ले लें बहुत बेहतर। अगर बच्चा पढ़ने को तैयार है तो आपको पढ़ाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं देख के आया था बांका में, चूंकि 4 बज गए थे, 4:30 बजे तो क्लास चल रही थी, मिशन दक्ष के बच्चे भी बैठे हुए थे और टीचर भी पढ़ा रहे थे, काफी लोग तो आप ही के बीपीएससी से चयनित हुए थे और नियोजित भी शिक्षक बड़े मन से पढ़ा रहे थे। तो ये बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि सरकार की डायरेक्शन को तुरंत इम्प्लीमेंट किया गया। आज 1 दिसंबर से मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है, और लॉन्च करने की मेन भूमिका यही थी कि अब 1 लाख टीचर हमारे इको सिस्टम में आ गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज ही से क्लास शुरू हो गई है, 5-5 छोटे छोटे बच्चों को किनारे ले जाया जा रहा है, वो बच्चे भी बोलते हैं कि हमको पढ़ने में ऐसे अच्छा लगता है। एक क्लास में 60-70 बच्चों को हर मतलब टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते, तो उसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं वो ना सवाल पूछते हैं बल्कि भयभीत रहते हैं, सहमे रहते हैं, क्लास की घंटी बताते हैं चले जाते हैं। लेकिन जब वही टीचर वही बच्चे अलग कमरे में बैठते हैं 5 बच्चे, तो उनका रिस्पॉन्स अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है, ठीक। तो इसी चीज को हमने आज खुद महसूस किया। तो लड़कियों ने, जो बच्चियां थी, उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ना, टीचर को एक एक चीज समझा रही है आके हमारे टेबल पे, क्योंकि 5 ही बच्चे हैं तो टीचर एक एक बच्चे के यहाँ जाके समझा रहे हैं। तो ये आसान चीज नहीं है, सब्र का काम। आप लोग आज भी टीचर रहेंगे, 30 साल बाद भी आप लोग टीचर रहेंगे, ठीक। कई अगले 30 साल बाद जब आपका यहाँ शायद रिफ्रेशर कोर्स दोबारा होगा तो आप लोग आपस में मिलेंगे और ये बात करेंगे। हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे कि इस तरह से आपने ट्रेनिंग की, किस तरह से पढ़ाई की। ये जो 1 लाख टीचर अभी आप लोग आ गए हैं, और 1 लाख टीचर और दिसंबर के अंत तक आ जाएंगे, जैसा अगर बीपीएससी रिजल्ट निकाल देती है, दूसरे राउंड की जानकारी तो होगी आप में से कई लोगों ने डाला होगा, अप्लाई किया होगा, ठीक, अच्छी बात। तो दूसरा राउंड भी आ जाएगा तो 1 लाख टीचर और आ जाएंगे, ये 2 लाख टीचर एक गेम चेंजर साबित होंगे। और शिक्षा में कोई भी चेंज तुरंत नहीं दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग रहेंगे और आप लोग महसूस करेंगे उस चीज कि हमने पहले, आप लोग में से अधिकांश तो बिहार के ही हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे गांव का बिहेवियर चेंज होता है अगर शिक्षा ठीक से दी गई। आप लोग पीढ़ियां बनाते हैं और आप चाहें तो पीढ़ियां बर्बाद करते हैं, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो, ठीक है। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है देख के कि आप लोग पूरे जोश में हैं। मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग इसी जोश को मेंटेन रखें। आप आज शिक्षक हैं, 30 साल बाद भी शिक्षक ही रहेंगे, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि साहब हम आज, अच्छा जो आज डॉक्टर है 30 साल बाद भी डॉक्टर ही रहेंगे, ठीक। तो आपके दो प्रोफेशन, डॉक्टर का और शिक्षक का, ये अन्य प्रोफेशन से थोड़ा सा है, और बड़े भगवान की नजर से आप दोनों प्रोफेशन को देखा, ठीक है। बच्चे और अभिभावक आपको बड़ा सम्मान देंगे।
अगर आप अच्छे टीचर साबित होंगे तो बहुत प्यार मिलेगा। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं जिलाधिकारी महोदय